फायरबोल्ट मैक्स, फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 3000 के अंडर में बेस्ट डिस्प्ले वॉच है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विडास। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फायरबोल्ट निंजा मैक्स वॉच के बारे में, जो कि एक्चुअल में मैक्स है। ये वॉच आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे 3000 यानी कि 2999 के अंडर के बजट में मिल जाएगी, मतलब 2999 रुपए की है। और इस वॉच में आपको फायरबोल्ट की सभी सीरीज के मुकाबले जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है वो सबसे अच्छी मिलती है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली जो वॉच है ये आपकी फायरबोल्ट की एमोलेड सीरीज की वॉच है, और एमोलेड सीरीज जो है फायरबोल्ट की वो सभी सीरीज से ज्यादा बेस्ट डिस्प्लेज आपको देती है। मतलब एमोलेड डिस्प्ले आपको वॉचेस में प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अगर इस वाली वॉच की बात करूं फायरबोल्ट मैक्स सीरीज के वॉच की, सो यहां पर आपको 6-7 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। फायरबोल्ट की वेबसाइट पे चेक कर लेना या फिर मैं आपको यहां पर लगा के दिखा देता हूं कि अगर इसके डिस्प्ले की बात करूं तो यहां पर आपको 45mm की यानी कि 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 2.5D टेम्पर्ड ग्लास के साथ में आती है, यानी कि आपकी प्रोटेक्शन इस डिस्प्ले के साथ में ही आती है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 90% है, यानी कि इसके जो बेजल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। अदर अगर वॉचेस की बात करोगे तो बहुत बड़े बड़े बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपकी 320 PPI की रेटिना डिस्प्ले है। रेटिना डिस्प्ले से कुछ याद आया, आईफोन 5S, 5 और जो पुराने आईफोन्स आते थे उसमें लिक्विड रेटिनाज आती थी। सो इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर स्मार्ट वॉचेज विच कम्स इन 3000 रुपीज़। हाँ, फायरबोल्ट रिंग वाली में भी ये वाला फीचर आई थिंक नहीं है, एक 2.5D टेम्पर्ड ग्लास का और रेटिना डिस्प्ले का, वो नॉर्मल HD डिस्प्लेज हैं। बट ये एमोलेड डिस्प्ले है, लाइक अगर आप सनलाइट में बात करो तो भी ये आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, और इंडोर्स में तो बेस्ट है ही। ये फायरबोल्ट मैक्स सीरीज की एक और बेस्ट फीचर आपको बताऊं तो इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। आप चाहे रेस्ट उठाओ या नहीं उठाओ, आपको टाइमिंग इसमें शो होती रहेगी, आपकी जो नोटिफिकेशन है वो उसमें शो होते रहेंगे। बट अगर आप उसे ऑन करते हो तो अदरवाइज आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सिर्फ आपकी टाइमिंग आपको शो करेगा एज अ नॉर्मल वॉच। और ये वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा कूल लगा, जो कि सिर्फ एमोलेड सीरीज में आता है। आई थिंक एमोलेड सीरीज में ही आता है, अगर किसी और सीरीज में भी आता है तो आप नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इसकी अगर बॉडी की बात करो तो ये फुल मेटल बॉडी में आती है, लाइक बॉडी भी आपकी सिक्योर है। अगर आपकी वॉच कहीं गिरती है तो डैमेज नहीं होगा, स्क्रैचेस आएंगे थोड़ी बहुत, बस उसके बाद में खत्म। और फायरबोल्ट की सबसे अच्छी चीज SPO2 मॉनिटर और हार्ट रेटिंग सेंसर और आपकी ये स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ये मतलब डिफॉल्ट है फायरबोल्ट की सभी वॉचों में, ये चीज डिफॉल्ट है। और आपको हर वॉच में, मतलब आप 2000 की वॉच ले लो या 12000 की वॉच ले लो इसकी या फिर 7000 की ले लो। अब बात करते हैं इसमें मल्टीपल वॉच फेसेस के बारे में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। और अगर आप अपनी तरफ से कस्टमाइज करा हुआ अगर वॉच फेस इसमें लगाते हैं, लाइक आपकी कोई फोटो है कस्टमाइज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% है तो ज्यादा अच्छी से दिखेगी, लाइक बड़ी दिखेगी मेरे अकॉर्डिंग अदर वॉचेस के मुकाबले। इसमें आपको ज्यादा प्रीमियम वॉच फेसेस एक तो देखने को मिलते हैं, और डिस्प्ले की वजह से वो और एनहेंस हो जाते हैं, जो कि कलर सैचुरेशन वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, स्क्रीनशॉट यहां पर लगा रहा हूं, खुद से देख लो, लिमिटेड है बट काम के हैं। बाकी बैटरी की बात करूं तो ये आपको 10 दिन का नॉर्मल यूसेज देता है, और अगर स्टैंड बाय मोड पर रखते हो, लाइक नॉर्मल आपकी वॉच रखी है, तो 30 दिन तक स्टैंड बाय मोड चलता है इसमें। अगर नोटिफिकेशन की बात करूं तो इसमें स्मार्ट नोटिफिकेशन का आपको फीचर मिलता है, लाइक आप इसे स्वाइप करके डिलीट कर सकते हैं और राइट स्वाइप करके आर्काइव में जा सकते हैं। बता दूं इसमें भी आपको जो जीमेल के नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर आते हैं, मतलब हर ऐप के नोटिफिकेशन प्रॉपर आते हैं। म्यूजिक कंट्रोल आप यहां से कर सकते हो, वॉइस कंट्रोल कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज इसमें एक और ये है कि आप इसमें कैमरा शटर्स को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक अगर आपका फोन वहां रखा है, मेरा ये फोन यहाँ रखा है और मेरे पास अगर ये वाली वॉच है तो मैं जस्ट ऐसे क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरी फोटो क्लिक हो जाएगी। अगर वीडियो होगी तो मैं यहाँ से वीडियो ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। इसमें 380m एक नई टाइप की वाटर रेजिस्टेंस है, आई डोंट नो कैसी है, पर मेरे अकॉर्डिंग ब्लू है, पानी पानी वाला नहीं कर पाएगी, सिर्फ छींट छाट से ही बचाएगी। फीमेल हेल्थ केयर्स भी मिलते हैं, वो फीमेल वाला पार्ट है वो समझ गए हैं। हाँ, ये आपको बताएगा कि आपको पानी भी कब कब पीना है, लाइक अगर आप सेट करते हो कि मुझे दिन में इतने लीटर पानी पीना है तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, या फिर आप अपने आप से इसमें फीड कर सकते हैं कि मुझे इतनी इतनी देर पे पानी पीना है, सो ये आपको ये रिमाइंड भी कराएगा कि अब आपको पानी पीना है।
विच इज द ग्रेट थिंग। बाकी अगर ओवरऑल इस वॉच की बात करूं तो 3000 के अंडर में सब चीज में मैक्स है और जितने भी मोड्स हैं इसमें सारे यूजफुल मोड हैं। आप जो डेली एक्टिविटी करते हो, हाँ अगर आप अदर स्पोर्ट्स में हो तो उसके लिए भी है, बट मेरे अकॉर्डिंग अब तक की 3000 के अंडर में बेस्ट डिस्प्ले वॉच है। सो ऑल राइट गाइस, टाइम टू अप दिस वीडियो। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।